जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त बुलेट सिंह स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, पहलवानी डाइट के ऊपर जो अपनी सीरीज चल रही उसके अंदर ये तीसरा भाग है। पिछले दो वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वो नहीं देखे तो एक बार उस पर चेक कर लो। तो आज पहलवानी की डाइट में जो मेन रोल पहलवान को अदा करती, जो उसके मसल डेवलपमेंट में हेल्प करती, उसके दिमाग को शांत रखती और एक क्लियरिटी लाती उसके बॉडी में, ये बॉडी बिल्डर्स भी यूज़ कर सकते, तो वो है बादाम की ठंडाई। अब बादाम की ठंडाई के अंदर तो लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जो सच में पहलवान यूज़ करता ठंडाई वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे से ज़्यादा भी तजुर्बेकार पहलवान है, अगर कुछ कमी पेशी हो गई इसमें तो आप मेरे कमेंट में बोल दीजिए, इसमें भी ऐड करते, मैं अपनी अगली वीडियो में उसको ऐड करके बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 100 किलो है या 50 किलो के पहलवान हैं, तो आपको सीधे सीधे आपके बॉडी वेट के हिसाब से 50 किलो है तो 50 बादाम लेना है आपको। 50 बादाम, 4 से 5 काली मिर्ची के दाने और एक छटाक मगज जो तरबूज के बीज आते हैं, इलायची, गुलाब की पत्ती, सौंफ, मिश्री, कमल के फूल की पत्ती, गोकुर जो कि एक नेचुरल फैट कटर है, आपके जिस्म की चर्बी को काट के निकाल देता, बहुत अच्छी चीज़ है ठंडे के अंदर डालने के लिए, खसखस और मिश्री, ये सारी चीज़ों को दोस्तों जिसमें से मिश्री हटा के जितने भी ड्राई आइटम्स है उसको रात भर आपको पानी में भिगाना है। रात भर भिगाने के बाद सुबह में उठ के आपको बादाम का छिलका निकालना, जिसको तकलीफ होती है एक एक छिलका निकालने को, उन्हों कुछ कपड़े में डाल के उसको बादाम को घस दीजिए अच्छे से, छिलका निकल जाएगा। छिलका निकलने के बाद ध्यान रखिए आपको हमेशा ओकली और मूसल का यूज़ करना है। ग्राइंडर में ये मसाले बराबर से नहीं पीसे जाते और बादाम अपना तेल भी नहीं छोड़ता उसमें, तो ध्यान रखिए इसको ग्राइंडर में नहीं बनाना है, इसको बनाना है ओखली और मुसल में। और ओखली में मुसल में बनाने से भी आपको फ़ायदा ये होंगे कि आपके शोल्डर की अच्छे से वर्कआउट हो जाएंगी, आपकी कलाई रिस्ट की अच्छे से वर्कआउट हो जाएंगी, ग्रिप आपको अच्छा आएगा। तो पहलवानी के अंदर ओखली और मुसल नीम का रहे तो बेहतर है, पूरे मसाले डाल के उसको अच्छे से पीसने के बाद उसको कपड़े से छान लेना। कपड़े से छानने के बाद उसका जो जूस निकल, पूरे मसाले पीसने के बाद आपको उसको छानना है, किससे? दूध से, पानी से नहीं। पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप दूध अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छानने के बाद उसके अंदर आपको मिलाना है मिश्री या फिर खांड या फिर मुनक्का। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आपको शक्कर भूल के भी नहीं मिलाना है, शक्कर आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरा ख़राब कर देंगे। मिला के पी सकते हैं, वर्कआउट के बाद पी सकते हैं। पीने के बाद तकरीबन मैं देखा कि कई सारे लोग जो बादाम की ठंडाई का मसाला रहता है वो फेंक देते, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हो लोग। दोस्तों, वो मसाले को फेंकना नहीं है, जो पहलवान भाई मेरा खाना सब्जी नॉनवेज जो भी बना रहा, उन्हें वेजिटेबल्स या नॉनवेज जो भी बना रहा उसके अंदर उसको डालना है, फेंकने के लिए नहीं है वो, उसके अंदर अभी भी बहुत ताकत रहती। आप वो मसाले को अच्छे से पका लेते हैं आपकी सब्जी या नॉनवेज में, तो देखिए उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेंगी, आपके बॉडी में एक अलग ही क्लियरिटी आएंगी, जो कि विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है बादाम। एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।